हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामा अकबर ज्यादा किंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई विश कि ये साल सबके लिए अच्छा हो। एंड ये हम लोग न्यू ईयर पे मसूरी आ गए जॉय को लेके कि wow! को थोड़ा बाहर लेके चलते हैं घुमाने के लिए। एंड मुझे इनिशियली हम जब माल रोड से निकले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आई थिंक पूरा इंडिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए यहीं पर ही आ जाता है। बहुत ट्रैफिक था। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि चलो जॉय को कंपनी गार्डन लेके चलते हैं। कंपनी गार्डन काफ़ी फेमस है, मतलब अच्छी व्यूज मिलेंगे, प्लस में शॉप का आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, बहुत अच्छा है। और हम यही चाह रहे थे कि जॉय को थोड़ा स्पेस मिल जाए खेलने के लिए, और एक्चुअली उसे बाहर ही रहना पसंद है तो हम उसको बाहर लेकर आ गए। एंड ये कंपनी गार्डन का एंट्रेंस है, यहाँ पे काफ़ी शॉप था, रीजनेबल प्राइस में आप लोग कुछ भी मतलब अच्छा खरीद सकते हैं, वूलन क्लॉथ वगैरह। तो ये मुझे अच्छा लगा, प्लस में यहाँ पे काफ़ी स्पेस है तो जॉय खुश था कि बहुत भागने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा। अभी थोड़ा अंदर की तरफ गए, एक्चुअली जॉय को थोड़ा पकड़ के ले जाना पड़ता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कहीं भी भागने लगता है। अंदर का व्यूज काफ़ी अच्छा था बैठने का, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ में, बच्चे को लेके जा सकते हैं। हाय मामू, ये जॉय के छोटे मामू हैं। ये अंदर आने पे फाउंटेन था, अच्छा था, वाटरफॉल थे, तो मतलब यहाँ पे जॉय को बहुत अच्छा लग रहा था, कितना सारा पानी कैसे। अभी थोड़ा हम नीचे जाकर देखेंगे तो एक लेक है, एंड देन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। जॉय तो थोड़ा डर रहा था इनको देख के, बट हमने बोट लिया, थोड़ा उसको बैठाते हैं और थोड़ा घुमाते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग के लिए एक टिकट है, आई थिंक 25 रुपीज़ पर मेम्बर था, तो इट्स अ रीजनेबल प्राइस हमने लिया। जॉय को लग रहा था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो करूँगा आज मैं। अभी थोड़ा हम अंदर की तरफ गए तो शॉप से पहले टिकट ले लेते हैं, एंड देन फिर थोड़ा बैठते हैं। ये अच्छी व्यूज हैं आसपास देखने पे, चारों तरफ ना बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो बहुत अच्छी धूप थी, मतलब मुझे नहीं लगता कि न्यू ईयर पे कभी ऐसा होता होगा कि इतनी अच्छी धूप होगी, और बहुत अच्छी धूप थी, जॉय के हिसाब से वहाँ का वेदर था। ये जॉय के मामू हमें देहरादून में मिल गए। जॉय को कार का इतना शौक है कि एक शॉप पे जाके हमें कार को लेना ही पड़ा ताकि वो आराम से बैठ सके और वो थोड़ा खेल सके, क्योंकि वो रुकना ही नहीं चाह रहा था एक जगह, उसको अपना खेलना है। यहाँ पे कुछ शॉप थे, फूड कोर्ट्स हैं, अच्छे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉप, एक्टिविटी कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हमने करी, जॉय को लेके गए ताकि वो खुश हो जाए, बट उसको अपना कुछ और ही करना होता है, कार ही चलाना होता है। ये जॉय के मामू ने ये सब ट्राई किया, ज्यादा दिन रुक नहीं पाए वो बात अलग थी, बट ये अच्छा था। वन टू राम। ये सेकंड ट्राई, एक्चुअली 50 रुपीज़ इसका चार्ज था, 50 रुपीज़ में आपको दो चांस देते हैं, तो ये सेकंड चांस है, और इसमें भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर रुक पाया। एक्चुअली बहुत स्लिपरी भी होता है, बट ये बहुत अच्छा था, रियलिटी चेक हो गया कितना कर सकते हैं। थोड़ा हम जॉय को अब थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलते हैं, पर वो अपना कार नहीं छोड़ना चाहता है। पार्क के अंदर एक्टिविटीज़ में टेलीस्कोप है, 50 रुपीज़ पर पर्सन, आप यहाँ से इजीली दलाई हिल्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे भी। मौसम बहुत अच्छा था, मतलब न्यू ईयर की मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मतलब इतना अच्छा मौसम रहेगा। जनरली मसूरी में इस टाइम पे स्नोफॉल होता है, पर अभी बहुत अच्छी धूप थी, तो जॉय के लिए बेबी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मौसम था।
पे कुछ शॉप थी वहाँ पर पहाड़ी अटायर मिलते हैं, आप 100 रुपये चार्ज के बेस पे आप उन अटायर्स को ले सकते हैं। तो हमने जॉय और जॉय की मामा ने दोनों ही लिया, कुछ फ़ोटोज भी लिए, वो बहुत अच्छा था। ये हम फाइनली बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।